Everyone, welcome to our channel. And today we are going to do the control and coordination chapter. इसके हम two parts already कर चुके हैं. So ये आपका unit number 2 का second chapter है. So इसके दो parts में हम लोग basic introduction, ठीक है, reflex section, reflex arc, neurons का पूरा structure हम लोग already cover कर चुके हैं. And then in second part हम brain का ब्रेन कितने रीजन्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग हम इस चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूंगी. यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियो. एंड कमिंग बैक टू द वीडियो ऑफ दिस चैनल ऑफ दिस चैप्टर. सो आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में. तो अभी तक हमने एनिमल्स की बात की, इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, ठीक है, उनको स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वो कैसे देते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह की होती है, ट्रॉपिज्म क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स क्या होते हैं. सो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो दिस इज़ आर फर्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में किस तरह से होता है. क्या प्लांट्स में भी कोई पूरा नर्वस सिस्टम होता है जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में पढ़ चुके हैं? इज इट पॉसिबल? नो, प्लांट्स में ऐसा कोई भी सिस्टम या मसल्स नहीं होते. ओके, वो सिर्फ कोई भी स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कुछ आउटर मूवमेंट, कुछ भी उनके ऊपर आया. जैसे मैंने आपको एक हीट की एग्जाम्पल दी थी कि आपने ग्लास को टच किया, गर्म कप को टच कर लिया, तो जो हीट थी वो क्या थी हमारे लिए, वो स्टिमुलस था. अब प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस अगर कुछ भी आए तो वो प्लांट्स उनको रिस्पॉन्ड कैसे करता है वो इसमें हम पढ़ेंगे. बट इसमें कोई भी नर्वस सिस्टम या मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते. पर प्लांट्स दो तरह की मूवमेंट शो करते हैं. जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो इनकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है और सेकेंड मूवमेंट जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. सो डिपेंडेंट जो होती है ग्रोथ के ऊपर, उसमें क्या होता है कि जब हमारा सीड जो है, ठीक है, वो कौन सी तरह की ग्रोथ होती है जो डिपेंडेंट ग्रोथ हम बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि जैसे इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए इसमें क्या हो रहा है. दिस इज़ द सीड. ये सीड जो है ये ग्रो करेगा, ये जर्मिनेट करेगा. जर्मिनेट करने का मतलब ऊपर से शूट निकल आया, नीचे से रूट निकल आया. सो इसको क्या बोलेंगे हम, सीड की जर्मिनेशन. ये धीरे धीरे बड़ा होते होते ऐसे एक प्लांट बन जाता है, फुली फ्लेश्ड प्लांट बन जाता है, ठीक है. सो ये इस तरह की जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में वो क्या कहते हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. सो डिपेंडेंट ग्रोथ है. और इंडिपेंडेंट ग्रोथ क्या है, जिसमें कोई स्पेसिफिक ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है. पर आपने कभी कोई छुई मुई प्लांट, सब लोगों ने सुना होगा छुई मुई प्लांट, जो जिसका हम लोग माइमोसा प्यूडिका, उसका बोटैनिकल नेम है, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट डाउन, माइमोसा प्यूडिका, ठीक है, माइमोसा प्यूडिका और टच मी नॉट प्लांट, जिसे बहुत सारे नाम हैं हम लोग कहते हैं. सो ये जो प्लांट है, अगर आप इसके लीव्स को टच करते हैं, आप सब लोगों ने कभी ना कभी टच किया ही होगा, सो उसके लीव्स क्विकली फोल्ड अप हो जाते हैं. हैव यू सीन, राइट? सो ये जो ग्रोथ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है. ये जो मूवमेंट है, जो प्लांट का रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई को लेके, मतलब किसी ने टच कर दिया प्लांट को तो वो क्या हो जाएगा, वो एकदम से अपने आप को बंद कर लेगा, राइट? सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इमीजिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. किसकी बात हो रही है, इमीजिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. तो जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना, स्पेशली सेंसिटिव प्लांट्स, वो मूवमेंट एक पॉइंट ऑफ टच पे ही, लाइक उनमें मूवमेंट शो होती है. सो जो टच जो हो गया वो स्टिमुलस हो गया, उसका कम्युनिकेशन प्लांट्स तक चला गया. तो प्लांट्स किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस से इंफॉर्मेशन मूव करती है. उसमें भी सेल से सेल तक इंफॉर्मेशन जाती है. प्लांट्स में भी सेल्स ही होते हैं, ठीक है. हम लोग सेल का जो चैप्टर आता है उसके अंदर सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं पूरा का पूरा, कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में हम लोग डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं कि क्या फ़र्क होता है. पर प्लांट्स में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं
तो उसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट होती है वो एक सेल से दूसरे सेल तक जाती है, पर वो कौन सा मीन्स यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स, राइट? एनिमल्स में जैसे मसल्स प्रोटीन्स जो होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में बात की, जो मसल प्रोटीन्स होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स को चेंज कर लेते हैं आगे पीछे हाथ करने के लिए, ठीक है। पर जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, वो शेप को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। मतलब शेप को चेंज वो इस तरह से तो मतलब शेप प्लांट्स की सेल्स की जो शेप जो चेंज होगी इसके अंदर, वो जैसे मसल्स प्रोटीन ने काम किया था एनिमल्स में वैसे नहीं होती। बट इस केस में क्या होता है कि वो उनके अंदर कितना पानी है इसके हिसाब से अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। अगर तो पानी ज्यादा है तो दे गेट स्वेल्ड अप, और अगर पानी कम है तो दे गेट श्रिंक्ड अप। तो या तो स्वेलिंग हो जाती है पानी पानी के हिसाब से, और अगर या श्रिंकिंग हो जाती है। सो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो जैसे ही आप इस प्लांट को, जैसे ये दिस इज छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, इसको टच किया गया तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा? फर्स्ट पिक्चर में लीव्स ओपन है, अगर इसको किसी ने टच कर दिया हल्का सा भी, सो इट शोज अ मूवमेंट टू अ स्टिमुलस। तो इस तरह के इसके लीव्स जो हैं वो बंद होके नीचे की तरफ ड्रूप कर जाएंगे, नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस? देन मूवमेंट, अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कि जो मूवमेंट जो होती है ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ के हिसाब से जो मूवमेंट होती है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो उनके पास ये टेंड्रिल्स होते हैं, ये आप दिख रहे हैं, ये पतले पतले से, ये प्लांट्स, इसको टेंड्रिल्स बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये क्लाइंब अप करते हैं दूसरे के ऊपर, दूसरे ट्री के ऊपर चढ़ के अपनी ग्रोथ करते हैं। तो जब ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर इनको टच करेंगे ना, तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि ये वहीं पे, जैसे इनको कुछ भी टच होता है तो ये यहीं पे रुक के कर्ल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से सर्कल कर जाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट से जुड़ के रह जाते हैं। इनकी ग्रोथ यहाँ पे स्लो हो जाती है। तो प्लांट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया स्टिमुलस को? बाय ग्रोइंग इन अ डायरेक्शन। तो ये एक डायरेक्शनल ग्रोथ थी। इस तरह से हमें क्या महसूस होता है कि जो हमारा प्लांट है वो मूव कर रहा है। सो जो उसकी मूवमेंट जो हम लोग ग्रोथ के कारण देख पा रहे हैं, वो हमें टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ है वो डायरेक्शनल मूवमेंट में होती है, डायरेक्शनल ग्रोथ दिखती है। तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा प्लांट जो है वो मूव कर रहा है। ओके, सो दिस इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, बिकॉज द प्लांट इज ग्रोइंग इन अ डायरेक्शन। ओके, सो एनवायरमेंटल कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि लाइट, ग्रेविटी, तो इस तरह से केमिकल्स एंड सो मैनी फैक्टर्स आर देयर, टच, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको जिनके कारण भी प्लांट अपनी लाइक ग्रोथ में चेंज शो करता है। स्पेशली इनको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। एलाइड ट्रॉपिक मूवमेंट्स का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो कुछ भी ऐसा हुआ जो एनवायरनमेंट ट्रिगर करता है, उसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ये स्टिमुलस की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ स्टिमुलस की साइड पे लाइक उन्हीं की टुवर्ड्स ग्रो करने लग जाए, तो वो हो गए पॉजिटिव, पॉजिटिव मूवमेंट शो कर दी, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट उनमें शो कर दी। जो जो हमारा कोई भी स्टिमुलस आया, अगर उससे दूर, उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट ने अपनी मूवमेंट शो कर दी, तो उसको हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ओके, क्लियर? एक होती है पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट, दूसरी होती है नेगेटिव मूवमेंट। जो पॉजिटिव होती है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जहाँ से स्टिमुलस आया। जो नेगेटिव मूवमेंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जहाँ से स्टिमुलस आया। जैसे कि अगर आप इसमें इस प्लांट में बात करें, इस प्लांट में अगर स्टिमुलस हो गया सनलाइट, सपोज सनलाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट क्या हो गया? हमारा स्टिमुलस हो गया। तो सनलाइट के कारण जो ये हमारा शूट है, शूट ऊपर की तरफ, प्लांट हमेशा सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है ना, तो जो ये शूट की मूवमेंट है,
ये क्या हो गई पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट, और जो इसके नीचे रूट्स हैं ठीक है उनकी मूवमेंट वो सनलाइट से दूर ग्रो करते हैं, वो क्या हो गई नेगेटिव मूवमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस। स्टिमुलस से अगर सेम स्टिमुलस के साथ ग्रो करना शुरू कर जाए, उसकी डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर जाए या मूव करना शुरू कर जाए प्लांट, तो वो पॉजिटिव एंड अदरवाइज नेगेटिव। सो लेट्स सी कि कितनी तरह की हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट्स शो करते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे हैं जो कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब हो गया जो केमिकल्स केमिकल्स जिस डायरेक्शन में रिलीज होते हैं उसकी फेवर में जो जो उसकी फेवर में जो ग्रो करते हैं, जो मूव करते हैं प्लांट्स, उसको कीमोट्रॉपिज्म बोला जाता है। जो ग्रेविटी के हिसाब से करते हैं उसको जियोट्रॉपिज्म, जो लाइट के हिसाब से वो फोटोट्रॉपिज्म, जो थिग्मोट्रॉपिज्म एंड नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, जो कि जैसे ऐसे टच किया तो छुई हुई प्लांट। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब एक इस तरह से जो टेंड्रिल्स जो हैं वो इसके ऊपर ग्रो करने लगी। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की मूवमेंट। सो ये सारी की सारी हम लोग एक बाय एक वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म की। सो फोटोट्रॉपिज्म जो मैंने अभी बताया, जो लाइट के रिस्पॉन्स में ट्रॉपिक मूवमेंट शो की प्लांट ने, तो लाइट यहाँ पे क्या हो गया हमारा स्टिमुलस हो गया। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ, सनलाइट पड़ी इसमें, देखिए जो ये इसकी शूट थी वो उसकी डायरेक्शन में मूव करने लग गई। सो शूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और जो रूट्स थी वो उससे दूर मूव करने लग गई। ये लाइट पड़ी तो ये प्लांट्स की जो बेंडिंग इस डायरेक्शन में हुई, तो जो उससे दूर की तरफ भागने लग गए वो रूट्स थे। तो स्टिमुलस लाइट था, रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम द लाइट, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। आई होप यू कैन सी, ये वाला मैंने एक जिफ डाला हुआ है इस पिक्चर में, इट्स वेरी मच क्लियर कि किस तरह से लाइट आ रही है तो प्लांट ने अपनी मूवमेंट किस तरह से बेंडिंग बेंड कर रहे हैं वो सनलाइट की तरफ। देन हमने एक फोटोट्रॉपिज्म को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक छोटा सा कॉनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर पानी भर लिया गया, उसके ऊपर हम लोगों ने एक वायर मैश रख दी, ठीक है, एक जाली सी रख दी उसके ऊपर फ्लास्क के ऊपर, जिसको जिसके अंदर हमने एक बाउल सा लिया था, कॉनिकल शेप का फ्लास्क था, उसके अंदर पानी भरा, उसके ऊपर एक वायर मैश रख दी, ठीक है, एक जाली सी रख दी, उसके ऊपर हमने कुछ जर्मिनेटेड जो उग चुके थे सीड्स रख दिए वायर मैश के ऊपर। फिर हमने एक गत्ते का डब्बा लिया जिसको एक साइड से हमने खोल दिया, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये गत्ते का डब्बा इस तरह से एक साइड से होल करके छोड़ दिया। तो अब हमने फ्लास्क जो था, ये फ्लास्क हो गया, इसको इस तरह से रखा कि जो इसकी ओपन साइड थी ना, ठीक है, वो लाइट को कहाँ से फेस करे, जो ये विंडो से लाइट आ रही है ना, इस तरह से यहाँ पे विंडो से जो लाइट आ रही है ना उसके सामने फेस करे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2-3 दिन के लिए हमने उसको उसी में रख दिया। तो क्या हुआ, जो शूट थी उसने लाइट की तरफ बेंड करना शुरू कर दिया। यू कैन सी शूट ने लाइट की तरफ बेंड करना शुरू कर दिया और रूट्स ने उससे अवे बेंड करना शुरू कर दिया। सो रूट्स ने क्या शो किया, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एंड इस नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, आई एम सॉरी फोटोट्रॉपिज्म, और शूट्स ने क्या किया पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं सो फोटोट्रॉपिज्म। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ना, अब हम भी स्मार्ट हैं तो हमने सोचा कि अब ये कर रहे हैं तो चलो कुछ और करके देखते हैं इसको। अब हमने सेकेंड चीज में क्या किया, हमने जो ये शूट वाला पार्ट था ना इसको लाइट से दूर करके रख दिया, ठीक है, और रूट वाला पार्ट लाइट की तरफ करके रख दिया। अब हमने इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमने क्या पाया, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, हमारे एक्सपेरिमेंट, ये तो हमें पता था कि वो जो पहले बेंड हो गए हैं रूट्स जो हैं अवे हो गए, शूट्स टूवर्ड्स हो गए, बट उसके बाद तो हमने तो खुद से डायरेक्शन चेंज कर दी ना, लाइट से दूर कर दिया उसको शूट को। तो अब हमने क्या पाया, जो ओल्ड पार्ट्स थे ना शूट के और रूट के, उनमें तो कोई चेंज नहीं आया डायरेक्शन में, पर जो नई ग्रोथ हुई ना, नई ग्रोथ में क्या हुआ,
नई ग्रोथ में फिर से जो शूट्स थे ना हमारे वो लाइट की तरफ मूव कर गए और जो रूट्स थे वो उससे दूर मूव कर गई। सो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और आप खुद भी करके ट्राई कर सकते हैं। और इसमें ये पाया गया कि जो स्टिमुलस है वो लाइट है और जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और जो रूट्स हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। सो इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो प्लांट की मूवमेंट होती है उसे जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सो इसके अंदर स्टिमुलस क्या हो गया? ग्रेविटी। ग्रेविटी स्टिमुलस हो गई और जो प्लांट की मूवमेंट थी वो क्या हो गया? वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो जो तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? ऑब्वियसली रूट्स शो करते हैं क्योंकि वो ग्रेविटी की साइड पे मूव कर रहे हैं। ये देखिए, ग्रेविटी की साइड पे मूव कर रहे हैं। सो जो रूट्स हैं वो क्या शो करते हैं? दे आर मूव बेंडिंग टूवर्ड्स ग्रेविटी, सो दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ये हमेशा वर्ड्स ध्यान रखे, जियोट्रॉपिज्म पूछा है कि फोटोट्रॉपिज्म पूछा है। रूट्स और शूट्स की भी एग्जाम्पल्स आप तभी दे सकते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, फोटो इज फॉर लाइट एंड जियो इज फॉर ग्रेविटी। सो लर्न दीज वर्ड्स। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? जो ग्रेविटी से दूर भागता है। ग्रेविटी से दूर प्लांट में कौन भाग रहा है? ऑब्वियसली ये हमारा जो ये शूट पार्ट है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, धरती से अवे जाता है। सो दैट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं कि पानी की तरफ और पानी से दूर। तो पानी की तरफ कौन बैठा हुआ है? पानी। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि पानी कौन खींचता है? रूट्स ही खींचते हैं ना। तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहे हैं और टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो करते हैं ना। ये देखिए, है ना, हमेशा नीचे की तरफ शो करते हैं ना। सो दिस इज, दे आर शोइंग पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या हो गया? जो मूवमेंट हो गई प्लांट की वो केमिकल्स के हिसाब से मूवमेंट किस तरह की रहेगी, प्लांट क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे। सो जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब है इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है पोलन ट्यूब की टूवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल एक केमिकल स्टिमुलस, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट का पार्ट है। प्लांट में ये रिप्रोडक्शन में ये बताया गया है कि किस तरह से जो ये ओव्यूल है और ये पोलन आया इसके सरफेस पे, सो पोलन ने अपनी पोलन ट्यूब एक्सटेंड की। तो पोलन ट्यूब कैसे एक्सटेंड करी? क्योंकि ओव्यूल ने एक केमिकल स्टिमुलस रिलीज किया जिसके कारण पोलन ने उसकी तरफ खिंचाव महसूस हुआ और उसने यहाँ पे एक पोलन ट्यूब जनरेट कर, ठीक है, ये वाली है जो येलो कलर की आप देख पा रहे हैं, दिस इज द पोलन ट्यूब। सो इट इज ग्रोइंग टूवर्ड्स द ओव्यूल। वो किसके रिस्पॉन्स में? केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। सो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म जो है ये पोलन ट्यूब शो कर रही है टूवर्ड्स द ओव्यूल्स, सो दिस इज कीमोट्रॉपिज्म। अब क्लियर हो गया? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, चारों ट्रॉपिज्म कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी कंट्रोल मूवमेंट होती है वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। ये एक पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। जो हमारे सेंसिटिव प्लांट्स हैं जैसे कि माइमोसा प्यूडिका, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, वो क्या करता है? वो अगर उसको कोई चीज़ टच करती है तो वो एकदम से फटाफट से बंद कर लेता अपने लीव्स को, बिल्कुल टाइम नहीं लगाता। सो ही रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, एकदम से रिस्पॉन्ड करता। सो सेंसिटिव प्लांट्स आर क्विकली मूविंग, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू टच। सो उनकी फास्ट मूवमेंट है, फास्ट कंट्रोल मूवमेंट है। जबकि सनफ्लावर, सब लोगों ने देखा होगा सनफ्लावर हमेशा जिधर सन होता है सनफ्लावर अपना मुंह उधर ही कर लेता है, देखा है कभी आपने? तो वो जो करता है वो डे और नाइट के हिसाब से करता है। डे में वो उधर कर लेता है, नाइट में उससे दूर कर लेता है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये स्लो मूवमेंट होती है, फास्ट नहीं होती कभी भी, ठीक है। सो इट इज स्लो मूवमेंट। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो भी ग्रोथ से रिलेटेड मूवमेंट्स होती है ना प्लांट की, वो भी स्लो होती है।
दे आर ऑल्सो स्लो. सो फास्ट मूवमेंट किसने दिखाई हमारे टच मी नॉट प्लांट. क्लियर. चलो सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स. आई होप दिस इज क्लियर विद यू. And if you guys have any doubt, please comment in the comment box. I'll get back to you. And if you like this video, please press the like button and share this video with your friends. And don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Bye-bye. Take care.